बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद शो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ नवीद आलम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और ये अनबॉक्सिंग जो है वो आइडियोनिक कंपनी का प्रोडक्ट है। चले इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। मज़े की बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रोफेशनल औज़ार मौजूद नहीं है, तो इसे हम देसी तरीके से अनबॉक्स करेंगे। और देसी तरीका आपको पता है कि क्या है? फिंगर्स। तो फिंगर्स के थ्रू इसे अनबॉक्स करना हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इसे हमने अनबॉक्स किया, जो कि आपको पता ही है कि ये इनका जो एक इनिशियल एक पैकिंग है वो है। तो ये इसे यहाँ से इसे खाली करने के बाद इसे हम यहाँ रख देते हैं। फिर उसके बाद अनबॉक्स करने के बाद जो सबसे पहले हमारे पास ये पेपर आता है, इस पेपर में आइटम के हवाले से गिवन किया गया है कि ऑर्डर नंबर कौन सा है, कलर कौन सा है और इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है। वो अमाउंट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ वीडियो के आखिर में। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास दिस वन। तो ये हमारे पास पैकिंग, क्या अगर हम पैकिंग की बात करें तो पैकिंग बहुत अच्छी हुई है। ये बचपन में हम इसके साथ बड़ा मज़े से खेलते थे, अभी भी खेल लेते हैं। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो कभी कभार खेलने का मौका मिल जाता है। बचपन की यादें हम इसके थ्रू जो है वो ताज़ा करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये ऑर्डर किया था मैंने एयरबड्स 400, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसकी जो मार्केट फ़िलहाल जो अभी करंट प्राइस है वो 5,000 रुपये हैं। कहने की हद तक तो ये ऑफ़र लगा देते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि अभी मार्केट में, लोकल मार्केट में नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इसकी जो मार्केट प्राइस है जो ऑनलाइन अभी ये परचेज आप कर सकते हैं वो 4,999, यानी कि 5,000 रुपये। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो जी, दिस वन इज आउट। आपको पता है कि अनबॉक्सिंग अभी इतनी मैंने कुछ ख़ास की नहीं है, तो इसलिए प्रोफेशनली तरीक़ाकार या प्रोफेशनल तरीके से मैं ना बात कर पा रहा हूँ और ना ही प्रोफेशनल तरीके से आपको बता पा रहा हूँ। चलो देखते हैं, वक्त के साथ साथ आदि हो जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो अगर आप बॉक्स के फ्रंट पे देखें तो बॉक्स का फ्रंट कुछ इस तरीके से है, और अगर हम साइड पे देखते हैं तो लिसन टू द बेस्ट साउंड, कुछ इस तरह की चीज़ इसमें गिवन की गई है। और बस बैक पे भी वही चीज़ें हैं। इसे मज़ीद ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें जो की फ़ीचर्स है, ये की फ़ीचर्स यहाँ पर गिवन है, मैं आपको की फ़ीचर के हवाले से बता देता हूँ। ये 5 आवर प्ले टाइम गिवन है इसमें, और BT 5.0 वर्जन है वाईफाई। और इसके अलावा जो बैटरी है वो 800 mAh केस, जबकि इसकी जो BT रेंज है वो 10 मीटर की है। और USB-C यानी कि टाइप सी चार्जिंग है, और इंडिकेटर चार्जिंग के लिए गिवन है। और बैटरी जो ईयरबड की बैटरी है वो 40 mAh है, जबकि इसमें लाइट वेट है और फुली टच कंट्रोल है। इसके अलावा जो ऑडियो है वो पेयरिंग में है, और इक्वलाइजर ड्यूल इक्वलाइजर है इसमें। तो इसे मज़ीद ओपन करते हैं। जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं, बॉक्स की डिज़ाइनिंग तो आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसमें जो है फॉर बाइंग आवर वैल्यूएबल कस्टमर, तो ये इसमें कुछ आई थिंक एक वारंटी कार्ड वगैरह होगा। तो चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं भाई साहब। ये जी, तो बिल्कुल इसमें जो है आइडियोनिक ई वारंटी कार्ड अवेलेबल है इसमें। अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो बॉक्स में आपको ये अवेल हो जाएगा, ये वारंटी कार्ड है। और उसके बाद जो है ये कुछ गाइडलाइंस है, जो कि ज़्यादातर हम पढ़ते नहीं है, ऐसे साइड पर ही रख देते हैं, लेकिन ये पढ़ने चाहिए। इसको देखने के बाद आप बहुत कुछ इसके प्रोडक्ट के हवाले से जो है जान सकते हैं। और इसमें भी यही कुछ मैनुअल चीज़ें दी गई है कि किस तरीके से इसमें जो की फ़ीचर अवेलेबल है वो आप इसमें से देख सकते हैं। तो जी, अब आते हैं बाकी भी चीज़ों की तरफ। चार्जिंग केबल दी गई है इसमें, जो कि टाइप सी केबल है। क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास इतनी अच्छी इसकी नहीं लग रही, लेकिन आपके पास घर में अच्छा टाइप सी अवेलेबल होगा तो उसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना बुरा भी नहीं है। और उसके साथ जो है ये डिफरेंट मेरे ख्याल से कितने टाइप्स है देखते हैं, बताते हैं फिर आपको। जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है दो मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप इसमें ये गिवन किए गए, स्मॉल टू बिग।
तो अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो जी ये रहा हमारे पास मेन प्रोडक्ट, जिसे अभी हम यूज़ करेंगे और इसे जो है ना फिर आपको दिखा भी देते हैं। देखने की हद तक तो बहुत ही आला और बहुत ही प्यारा है। अब यूज़ करेंगे तो रिव्यू तो इसका मैं बाद में दूंगा, फ़िलहाल इसमें हम जो है सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आइडियोनिक की ईयरबड 400। और अगर ऐसे भी ये भी सेम ही आपके पास अवेलेबल है, ये देखिएगा रेड कलर, कलर तो बड़ा बेहतरीन है और लुक वाइज ऑसम है। इसे अगर चार्ज करने के बाद ही फिर हम इसे यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये था अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग में जो है सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब इसे कुछ टाइम में यूज़ करूंगा, इसका रिव्यू दूंगा मैं आपको कि यूज़ करने में ये कैसे हैं और आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो वो रिव्यू के बाद ही फिर आपको पता चलेगा। बॉक्स बहुत ही आला और बहुत ही प्यारा है, बॉक्स की डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और इसका जो यूजेज है वो भी ऐसा ही हो। तो ये वक्त के साथ साथ देखेंगे कि यूज़ करने में ये कैसे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और नवीद शो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।